नागिन 4 की रिलीज डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही ऑडियंस के साथ साथ सीरियल से जुड़े किरदारों की धड़कनें भी काफी बढ़ने लगी हैं। कुछ ही टाइम पहले मेकर्स ने इस बात को ऑफिशियल किया है कि इस शो में एक्ट्रेस निया शर्मा नागिन बृंदा के किरदार में दिखेंगी, तो वहीं एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन नागिन नयनतारा के किरदार में। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों की नागिन बनने की तैयारी आसान नहीं रही। जी हाँ, खुद को अच्छी और ग्लैमरस नागिन बनाने के लिए ये दोनों जिम में तो पसीना बहा ही रही हैं। साथ ही दोनों ने अपनी अपनी फेवरेट डिशेस का भी त्याग कर दिया है। वेल, कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि वजन कम करने के लिए वर्कआउट के साथ साथ निया शर्मा ने अपनी डाइट में भी मेजर बदलाव किए। निया खाने की शौकीन है, लेकिन उन्होंने अब अपनी जुबान पर ताला लगाया है। ऐसे में अब शो की इस दूसरी नागिन के भी खाना त्यागने की खबर आई है। जी हाँ, दरअसल नागिन नयनतारा ने भी हाल ही में इंटरव्यू में बताया है कि अच्छा दिखने के लिए वो स्पेशल डाइट लेने लगी हैं। जैस्मिन का कहना है कि अपने किरदार में बेस्ट दिखने के लिए उन्होंने बटर चिकन और पिज्जा खाना बंद कर दिया, जो कि उनका मोस्ट फेवरेट है। जैस्मिन कहती हैं, जब मुझे नागिन के लिए कॉल आया तब मैंने सोचा कि अब तो मुझे एक सुंदर और सेक्सी नागिन बनना होगा और पतला होना होगा। मैंने कहा, जैस्मिन अब तो तुझे बटर चिकन और पिज्जा खाना छोड़ना पड़ेगा। आगे जैस्मिन कहती हैं, मुझ पर अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर है क्योंकि बाकी सभी सीजन सुपरहिट रहे। इस सीजन का सुपरहिट होना बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस बहुत जरूरी चीज होती है और यही प्रेशर मेरे ऊपर है। शो के लिए मेहनत करने के बारे में जैस्मिन ने बताया, पिछले सीजन की लीड एक्ट्रेसेस ने स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया है और इसीलिए मैंने अपने प्यार का त्याग किया, जो कि खाना है। मैं हेल्दी चीजें खा रही हूँ और वर्कआउट कर रही हूँ क्योंकि मैं बेस्ट दिखना चाहती हूँ। वलम, निया और जैस्मिन अपने अपने रोल में खुद को ढालने के लिए जिस तरह की मेहनत और त्याग कर रही हैं, उसे देखकर तो ये लगता है कि जिस तरह पिछले सीजन में मौनी रॉय, अदा खान, सुरभि ज्योति और अनिता हसनंदानी ने नागिनों के किरदारों को निभाया, उसी तरह इस सीजन की ये नागिन जरूर कमाल ही करेंगी।